सिरमौर जिला फुटबॉल संघ द्वारा ऐतिहासिक चौगान मैदान नाहन में फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। वहीं मीडिया से बात करते हुए आयोजन समिति के महासचिव डॉक्टर जाफर अली ने बताया कि प्रतियोगिता आगामी 26 दिसंबर तक चलेगी और किसी भी टीम से किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि फुटबॉल संघ का हमेशा ये प्रयास है कि कैसे फुटबॉल को बढ़ावा दिया जा सके। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नाहन कभी फुटबॉल के लिए जाना जाता था और यहाँ से कई खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। ये प्रतियोगिता डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल सिरमौर एसोसिएशन की तरफ से करवाई जा रही है। अंडर 14 प्रतियोगिता है, अंडर 14 लीग प्रतियोगिता है। इसमें तकरीबन 8 स्कूल्स की टीम्स ने पार्टिसिपेट किया है और हमारा लक्ष्य ये है कि हमने नाहन में फुटबॉल के स्तर को उठाना है और इन बच्चों को कहीं मौका नहीं मिलता है, इसलिए हम इस प्रतियोगिता को बहुत अच्छे से करवाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस प्रतियोगिता में पूरी एसोसिएशन कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और पूरा सपोर्ट के साथ हम पूरे एंथुसियाज्म के साथ इस प्रतियोगिता को अच्छे से सफल बनाने का प्रयास करेंगे। और जहाँ तक देखा जा रहा है कि जैसे आज इसका ओपनिंग शुरू हुई तो इन बच्चों में काफ़ी जोश है इस प्रतियोगिता को लेकर और काफ़ी बढ़ चढ़ कर बच्चे इसमें भाग ले रहे हैं और हमें ये ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आने वाले समय में भी इसमें पार्टिसिपेशन और बढ़ेगा। जैसे इस बार हमारी टीमों में सिर्फ इसमें 8 टीमों का पार्टिसिपेशन है, आने वाले समय में इसमें और पार्टिसिपेशन बढ़ेगा और हम फुटबॉल के स्तर को नाहन में बड़ा सुधार पाएंगे और धीरे धीरे इसके बाद हम और भी प्रतियोगिता का आयोजन करवाने की कोशिश करेंगे। जैसे अंडर 17 हो गया, अंडर 21 हो गया, ओपन चैंपियनशिप्स हो गया। जैसे नाहन में पहले भी प्रतियोगिताएं होती थी और नाहन का फुटबॉल एशिया में माना जाता था। नाहन के खिलाड़ी मेरे साथ यहाँ पे भी खड़े हैं, शिराज जी हैं और नरेंद्र थापा जी हैं, ये NES कोचेज हैं और ये कभी किसी समय यहाँ पर खेला करते थे इसी मैदान में और इतना अच्छा फुटबॉल खेलते थे कि यहाँ पे इस ग्राउंड से ओलंपिक्स में भी टीमों ने पार्टिसिपेट किया है और इस यहाँ के खिलाड़ी बहुत अच्छी अच्छी पोस्टों पे अच्छे अच्छे कोचेज हैं और जो कि स्तर गिरता ही जा रहा है, इस स्तर को उठाने के लिए हम एसोसिएशन ने ये बहुत अच्छा कदम उठाया है कि इसको हम अंडर 14 से शुरू करें। स्कूल्स की हमने टीमों को यहाँ पे जो है इकट्ठा करने की कोशिश की है और धीरे धीरे हमारा इसमें ये प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में इसमें और टीमें पार्टिसिपेट करें। और साथ ही मैं ये भी आपको अवगत कराना चाहूँगा कि इन दोनों कोचेज ने, नरेंद्र थापा जी ने और ये प्रेसिडेंट है एसोसिएशन के और शिवराज जी ये भी मेंबर हैं हमारी एसोसिएशन में, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। इन लोगों ने एक एकेडमी भी शुरू की हुई है यहाँ नाहन में जो कि चंबा ग्राउंड में एकेडमी को चलाते हैं और उस एकेडमी में आप हैरान हो जाएंगे कि उस एकेडमी में लगभग 60 के करीब बच्चे आते हैं, 60 बच्चे वो भी स्कूल से बिलोंग करते हैं और पूरे शहर के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट की कोचिंग देते हैं सुबह और शाम को। सर, ये टूर्नामेंट जो आज आपके शुरू हुए हैं इसमें कितनी टीमें आज पार्टिसिपेट कर रही है, आज कितने मैचेस हुए और कब तक ये मैचेस चलेंगे? इसमें 8 टीमें हमने एंट्री करवाई है अभी अपनी और ये जो है हर रोज इसमें 4 मैचेस होंगे।